नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिका। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था, देश को आजाद हो गया, लेकिन बापू का सपना पूरा नहीं हो सका। बापू के उसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श सांसद ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार हर सांसद को 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने हैं, जिसमें सांसदों की कोशिशों से 2016 तक उनकी ओर से गोद लिया गया पहला गांव आदर्श गांव बन जाना चाहिए था, और उसके बाद 2019 तक 2 और गांव को गोद लेकर उन्हें भी विकसित किया जाना चाहिए था। पीएम के अनुसार उनका कहना है कि सभी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को गोद तो ले लिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आकार ले सकी? क्या सांसदों के गोद ले गए गांव आदर्श गांव बन सके? आज हम इसी पर पड़ताल करेंगे और जानेंगे विकास का सच और देखेंगे आदर्श गांव की तस्वीर। सांसद के गोद ले गए गांव का रियलिटी चेक। आदर्श गांव की किस्मत खराब। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा आदर्श गांव। गोद लेकर कर दिया गांव का पूरा हाल। 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू कर दिया। देश भर में फैले हर 6 साल गांव में 2500 से ज्यादा गांव को योजना का हिस्सा बनाया गया, और इसी योजना के तहत करौली धौलपुर लोकसभा सांसद मनोज राजौरिया ने खेड़ी हैवत गांव का चयन किया। जब इस गांव को आदर्श योजना के तहत चुना गया तो गांव में खूब खुशियां मनाई गई। सांसद का स्वागत भी लोगों ने बड़े ही जोरों शोरों से किया। इस मौके पर सांसद ने गाँव के लोगों को गाँव के विकास का भरोसा दिलाया था। उन्होंने गाँव में बिजली, पानी, शौचालय, सड़क, स्वास्थ्य सहित तमाम बुनियादी सुविधाओं का भरोसा दिलाया था। आज सांसद की ओर से गांव के लोगों को किए गए वायदों को करीब 4 साल होने को, लेकिन ना तो गांव के लोगों से किया वायदा सांसद ने निभाया और ना ही खेड़ी हैवत गांव आदर्श बन पाया। खेड़ी हैवत गांव कितना आदर्श बना और यहां सांसद जी ने कितना विकास करवाया, इसी की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम खेड़ी हैवत गांव पहुंची और पूरे गांव में विकास को ढूंढा, लेकिन हमें कहीं विकास नहीं मिला। गांव के लोग जरूर सांसद और सरपंच के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मिले। हमारे कैमरे में गांव के विकास की तस्वीरें कैद हुई और आपको ये भी दिखा दें। सांसद के गोद लिए गांव खेड़ी हैवत का हाल आप कैमरे में कैद तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे एक आदर्श गांव अपनी बदहालू के आंसू बहा रहा है, अपनी किस्मत पर रो रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि गोद लेकर मेरा हाल बुरा कर दिया। मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो कीचड़ का जिम्मेदार है वो एक जिम्मेदारी आम जनता की बनती है और ग्राम पंचायत सरपंच की बनती है। अभी 6 माह पहले वह रोड बना है, वह सड़क निर्माण हुआ है और उसमें नाली निर्माण सही तरीके से नहीं करा गया है, उसमें ग्राम पंचायत की जिम्मेदार है। सांसद साहब सिर्फ कोष से पैसा दे सकते हैं, उन्होंने विकास के लिए दिया है और इसकी जिम्मेदार विशेष रूप से मैं एक आम भागीदारी जनता प्लस सरपंच ग्राम पंचायत का सरपंच की वजह से सांसद साहब को बदनामी सहन करनी पड़ रही है, आपका कहने का मतलब ये हुआ? जी, ये मानो कुछ समस्या है। सांसद की सांसदगिरी तो निकल गई, लेकिन विकास कौन देखे नहीं पूरे गांव का। जब से सांसद बने हो वार टाइम थे और अब तक पूरा खच्चा बरकरार ऐसे ही है। रोड लाइट लगवाई, रोड लाइट आई जिनमें से 4 लाइट लगी पूरे गांव के अंदर, और जो खराब हुई है उनकी ना कोई रिपेयरिंग हुई है ना कुछ और हुआ। इसके अलावा और कोई विकास नहीं है पूरे गाँव का। सरपंच साहब से बहुत बार बोला है, सरपंच साहब को कई बार बोल दिया नाली बननी चाहिए, नाली नहीं बनी आज तक, क्या करें बताओ। गांव वाले आम जनता परेशान है, अब ये कह रहे हैं गांव वाले ये कहते हैं कि पानी को रोको, बताओ पानी खा रोके घर में भाई, पानी का स्टॉक भी घर में खा रखे, हर कोई के घर में पक्का है नीचे से, जिसके घर में कच्चा है वो रोक लेगा। हमारे गाँव में साहब सांसद साहब की तरफ से अभी तक 1% कोई भी विकास नहीं हुआ है। गाँव का सर्वप्रथम
जो गांव के आम रास्ते हैं वो कीचड़ों से अटे हुए हैं, और जो आदर्श गांव होता है उसकी बहुत सारी सुविधा होती है, उनमें हॉस्पिटल होता है, बैंक सुविधा होती है, एटीएम सुविधा होती है। उन सुविधाओं में से अभी तक कुछ भी कोई पहल नहीं हुई है, तो अभी तक तो हमें कोई सुविधा का लाभ मिला नहीं है। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं सर्दियों का टाइम है, तो हमें यहाँ से 15 किलोमीटर साधन पकड़ के दूसरा हिंडौन जाना पड़ता है। यहाँ पे अभी तक हमारे जो सरपंच साहब हैं उनको कई बार अवगत कराया है ये कीचड़ के बारे में, अभी तक कोई भी इस कीचड़ के बारे में कोई सोचने वाला है ही नहीं, और कई बार उनको बुलाया भी है, अधिकारियों को भी अवगत कराया है, कई बार न्यूज़पेपर में भी निकलवाया है, लेकिन अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना है। गांव में विकास की बात की जाए तो गांव में विकास ढूंढने से भी नहीं मिलता है। लोग यहां मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं, और लोग अपने सांसद से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सांसद जी भूल गए गोद लिए गांव का दर्द। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सांसद बनने के बाद सांसद जी गांव में नहीं आए। सांसद जी गांव में आए और जोरदार स्वागत भी किया, वहीं लोगों को गांव में बेहद पहचान, वहीं लोगों को गांव में बेहतर विकास का आश्वासन भी दिया, और ग्रामीणों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच खूब वाहवाही लूटी। सांसद के आश्वासन के बाद लोगों में आस जगी कि उनके गांव का उद्धार अब होगा, लेकिन लोगों को क्या पता? लेकिन लोगों को क्या पता था कि गोद लेने के बाद उनके गांव का हाल ऐसा हो जाएगा कि उन्होंने इसके सपने की भी कल्पना ना की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कमलुद्दीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलुद्दीन, क्या जुमला निकली सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या कहेंगे? हाँ जी मैडम, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना गांवों के विकास के लिए एक बेहतरीन योजना है, लेकिन जी इस योजना को अमल में लाने के लिए सांसद मनोज राजौरिया विकास कराने में नाकामयाब रहे, जिनसे उनके वादे और दावे इस योजना के जुमला साबित हो रहे हैं। जी कमलुद्दीन, आपको क्या लगता है कि क्या सांसद जी गांव को गोद लेकर गांव का दर्द भूल गए? जी सांसद साहब ने गांव खड़ी है को 2015 में गोद लिया था, लेकिन गांव में मात्र सांसद ने 2 बार ही गांव में आकर दर्शन दिए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सांसद साहब इस गांव के दर्द को भूल गए हैं। कमलुद्दीन, आदर्श गांव की किस्मत खराब है या फिर सांसद के आश्वासन कोरे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, आदर्श गांव की किस्मत तो सही है, इस गांव को आदर्श के लिए चुन लिया गया, इससे अच्छी किस्मत क्या होगी, लेकिन इस गांव को सांसद साहब के आश्वासन कोरे निकले, जिन्होंने इस गांव की किस्मत को खराब कर दिया, इनके आश्वासन छूटे निकले। जी कमलुद्दीन, गांव नहीं बदला तो कैसे बदलेगी सूबे की सूरत, ये एक अहम बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? मैडम, ये भी सोचने वाली बात है, जब एक सांसद एक गांव का विकास नहीं करा सका तो पूरे सूबे के विकास के बारे में सोचना बेमानी होगी। जी कमलुद्दीन, गांव के लोग क्या कह रहे हैं कि सांसद और विकास को लेकर, और आगे क्या लोकसभा चुनाव भी है? मैडम, ग्रामीण कहते हैं कि हमारे गांव को आदर्श ग्राम ने तो चुन लिया, जिसका सिर्फ कागजों में ही फायदा मिल रहा है, लेकिन सांसद मनोज राजौरिया ने हमारे गांव में बैंक, अस्पताल और रास्तों के विकास कार्य नहीं करवाए, जी। शुक्रिया कमलुद्दीन आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि सांसद मनोज राजौरिया ने पीएम मोदी आदेश के बाद आदर्श योजना के तहत गांव को गोद तो ले लिया, लेकिन गांव का हाल बद से बदतर हो चुका है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।